Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is host and dost Vivek Suri. So guys, आज हमारे साथ यहाँ पे भैया हैं, काफी अजीज दोस्त हैं मेरे, and इन्होंने यहाँ पे कॉफी हाउस खोला है. कहाँ पे है ये मैं आप लोगों को बाद में एड्रेस प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा. आपने सरदार बख्श कॉफी हाउस कॉफी प्लेस का नाम सुना होगा, अब उसका नाम चेंज होके हो गया है सरदार जी बख्श, एंड भैया ने उसकी फ्रेंचाइजी ली है. और यार कॉफी के दीवाने कौन कौन है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बात करना यार, क्योंकि मेरे को कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है. और अगर आपको उसके साथ बहुत अच्छे लेवल के एपेटाइजर्स मिल जाएं, जैसे कि सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ताज, या आपको फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिल जाएं, सो उस पे तो सोने पे सुहागा हो जाता है. सो भैया ने यहाँ पे बेसिकली एक कॉफी हाउस खोला है जनकपुरी के अंदर, जस्ट C2 ब्लॉक है उसके सामने पड़ता है ये. और काफी अच्छी तरीके से भैया ने पूरा डेकोरेट करा है और किचन सेक्शन अलग रखा है, एंड टेक अवे के लिए भैया ने पूरा एक कॉफी प्लेस अलग दिया है. कि आप अगर आ रहे हैं, अगर आप जनकपुरी के पास रहते हैं, विकासपुरी के पास रहते हैं, या वेस्ट दिल्ली में कहीं पे भी रहते हैं, और आप एक अच्छी कॉफी पीने का मूड बना रहे हैं गाइस, आप CCD से बोर हो चुके हैं, स्टारबक्स से बोर हो चुके हैं, देन दिस इज द प्लेस यू नीड टू कम. यू हैव टू कम हियर. मेरे को लगता था कि यार पता नहीं कैसी होगी, बट भैया ने मेरे को स्पेशली बुलाया एंड फ्रैंकली मजा आ गया. स्पेशली द साइज, भैया साइज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट यार, मेरे को सामान जब बन रहा था, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर हुए, या नाचोज ऑर्डर हुए, या भैया ने कॉफी उधर बनाई, तो मैं सब कुछ देख रहा था कि यार काम चल कैसे रहा है, तो उस चीज को देखने में मजा बहुत आया. सो पहले आप पूरा इसका एक वॉक अराउंड देख लीजिए कि कैफे अंदर से देखने में कैसा है. आपको एक बार ये किचन का भी दिखाऊंगा कि कितना हाइजीनिकली यहाँ पे काम होता है, एंड देन फिर लास्ट नॉट द लीस्ट वहां पे पीछे जो कॉफी हाउस है बेसिकली जहां पे सारी कॉफीज वगैरह बनती हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा विद मेन्यू कार्ड. सो जो भी कॉफी के दीवाने गाइस, एंड अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, देन दिस इज द प्लेस यू हैव टू कम. नीड टू कम नहीं, यू हैव टू कम, आपको आना जरूरी है. सो वीडियो के साथ बने रहे गाइस, और वीडियो आपने आखिर तक देखनी है. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. So guys, आप लोगों ने कॉफी हाउस देखा अंदर से, पूरा सिनेमैटिक शॉट्स देखे, कैसे लगे आपको शॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन खुला आप बता सकते हैं. काफी अच्छी तरीके से भैया ने पूरा का पूरा डेकोरेट करा हुआ है, एंड मुझे काफी अच्छा लगा देखने में. अगर मैं यहाँ पे सिटिंग की बात करूँ गाइज, तो ऑलमोस्ट 26-27 बंदे की सिटिंग यहाँ पे है, एंड अगर आप बाहर देखेंगे तो 4 बंदों की सिटिंग वहाँ पे है, एंड 4 बंदों की सिटिंग वहाँ पे. सो ऑलमोस्ट 8 बंदों की सिटिंग बाहर है. और सर्दी का टाइम है गाइस, बाहर की सिटिंग, सर्दी का मौसम, गर्म कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग आने वाला है. सो बाहर की सिटिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एंड अंदर तो आपने देख ही लिया है कि पूरा का पूरा एक जो एम्बियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है. काफ़ी डिम लाइट्स के साथ उन्होंने दिया है. सो गर्लफ्रेंड्स के साथ आएँ, वाइफ के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, और जो कॉफ़ी है उसको इन्जॉय करें. सो गाइज आपको अंदर चलते हैं, और इधर है हमारी किचन. सो अंदर चलते हैं, एंड अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि किचन कैसी सी है, कैसे काम होता है अंदर पूरा का पूरा,
एंड क्या क्या चीज़ें अंदर अवेलेबल हैं। सो वीडियो के साथ बने रहे। सो गाइज दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सारा का सारा खाना बनता है। एज यू कैन सी वहाँ पे ग्रिलर रखा हुआ है भैया ने। इस तरफ यहाँ पे भैया हमारे पास क्या है, ये इंडक्शन। और यहाँ पे आप सारी क्या करते हो, ये किस चीज़ के काम आता है? जैसे हम सैलेड बनाते हैं। ओके, तो जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उसको वो करने के लिए सारा का सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इन्होंने सारी चीज़ें यूज़ करी है। यहाँ पे वो वाला काम नहीं है कि आग लगाने वाला काम हो। और यहाँ पे ये क्या है भैया हमारे पास, ये ग्रिलर है। सो गाइज दिस इज द ग्रिलर। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी आप देख सकते हैं सारी सॉसेस पड़ी हैं एंड बंस वगैरह सारा कुछ, ब्रेड के लिए सैंडविचेस हो गए। एंड भैया इन सब में चीज़ों में क्या बना हुआ? इसमें ओके और इसमें बैल पेपर, तीन तरह के कैप्सिकम है, ठीक है, और इसमें हमारा मोजरेला चीज, ओके, और ये होगा हमारा चेडार चीज, और इसको हम अपना चिकन रखते हैं रोस्टेड चिकन के लिए, जो चिकन सैंडविच वगैरह आता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। और इसमें कॉर्न है हमारा, फ्रोजन कॉर्न, ठीक है, और ये हमारा टमाटो स्लाइस जो कि हम बर्गर वगैरह में डालते हैं, ओके, सैंडविच वगैरह में डालेंगे, और ये हमारे अनियन स्लाइस, सेम थिंग, ओके, और ये सालसा टिप है हमारी जो कि हम मैक्सिकन कोई भी चीज़ आती है, रोल है या कोई सैंडविच है बर्गर, उसके साथ हम टिप देने के लिए, और ये हमारा हमस है जो कि हम लेबनीज रोल में देते हैं। ओके, लेबनीज रोल के अंदर स्टफिंग वगैरह में सब कुछ लेबनीज फलाफल के साथ ही जाते हैं, ठीक है, और ये हमारा पेस्टो है जो कि हम जैसे यूजुअली ग्रीन चटनी की तरह यूज़ होता है, जैसे पुदीने की चटनी होगी वो नहीं है, ये है पेस्टो। अच्छा, इसमें क्या होता है कुछ खास है? ये बेसिल का बनता है, बेसिल का, बेसन का, बेसिल, बेसिल, अच्छा बेसिल का, बेसिल, और इसके अंदर ऑलिव ऑयल, ओके, और पार्मेसन चीज, ओके, सॉल्ट एंड पेपर, इसे सब डालते हैं। ग्रेट। सो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे हर चीज बहुत तरीके से ढकी हुई है, ये नहीं है कि कोई चीज खुली पड़ी होगी। इवन बंस जो है वो पूरे पैक्ड है, हर चीज उन्होंने पूरी पूरी कवर कर रखी है। आप यहाँ पे भैया को भी देख सकते हैं, उन्होंने पूरा अपना हेड तक कवर करा हुआ है। एंड जो भी वो कुछ भी बनाते हैं तो वो पूरा हाइजीन के साथ बहुत तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको भैया को देखेंगे तो इनका भी हेड कवर है, तो जो भी बंदा किचन में काम करेगा उसके हमेशा हाथ और सर जो है वो कवर्ड रहेगा, ताकि आपको खाने में कुछ ऐसा सा ना मिले। जैसे कई बारी कई जगह होता है यार, बाल दिख जाता है या कहीं पे कुछ हो जाता है, तो ये वाली फील जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip-locking. But you, I know it, you know it. सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, पीछे जो है वो सारी इनकी सेटिंग थी। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा किचन है। अब बात आती है कॉफ़ी प्लेस की, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सारी की सारी कॉफ़ी, जो भी आप लिक्विड के अंदर कुछ भी मंगवाएंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर कौन कौन से इनके पास मशीन्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एंड पूरा एक बारी मेन्यू जो है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ के रेट्स जो हैं वो किस हिसाब के हैं। एंड बात आती है मेन, सबको ये लगता है कि यार क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं। सो जितने कप्स होंगे वो भी आपको दिखा दूंगा कि स्मॉल मीडियम साइज कप्स कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. The dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop.
pop. Oh my devil, but I do not make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all stuck. Stand on the killer, be right on my brain. Full of shame, I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. I see a sun coming out of that rain. My day really not game, I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cave. It's taking over on its तो गाइज कॉफ़ी शॉप आपने देख ली पूरी की पूरी, सारा अंदर से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भैया हैं हमारे, मैंने आपको इनके फादर से भी मिलवाया था जो भी साथ बैठे हुए थे वीडियो की स्टार्टिंग में। आपको यूजुअली यहाँ पे यही मिलेंगे और यही पूरी कॉफ़ी शॉप ओन करते हैं, और जो भी मतलब कुछ कमी निकलेगी ना तो इनको पकड़ना आपने, ये है जो आपको कमी सुधार के देंगे। सो बात आती है अब यहाँ पे कॉफ़ी की। सो ऑर्डर करते हैं कैपेचिनो एक और देखते हैं भाई बनाता कैसे है। आप उस कैपेचिनो को बनते हुए देखें, एंजॉय करें पूरे का पूरा मूवमेंट, एंड फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं गाइस। सो एंजॉय द कॉफी। सो गाइज मेरी कॉफ़ी हो गई है तैयार, मैं कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ, तब तक आप देखें कि यहाँ पे शेक कैसे बनता है। सो भैया हम कौन सा शेक बनाने लगे हैं अभी? सो गाइज अभी हम यहाँ पे तैयार करने लगे हैं चोको ब्राउनी। सो उसका एक टाइम लैप्स इंजॉय करें और देखें कि ये शेक कैसे बनता है और बनने के बाद सुंदर कितना लगता है, क्योंकि यार जब तक चीज़ खाने में खाने वाली चीज़ देखने में सुंदर ना हो ना, अच्छी ना लगे आँखों को, तब तक मुँह में टेस्ट भी नहीं आता। सो इन्जॉय द वीडियो। सो गाइज वी हैव अ कस्टमर हेयर जो कि बहुत रेगुलर रहती हैं यहाँ पे। सो आपका नाम क्या है? लोरेन। सो सबसे पहली चीज़ आपने ऑर्डर क्या करा? थ्री हेजलनट कॉफ़ी। सो गाइज थ्री हेजलनट कॉफ़ी का इनका ऑर्डर है। सो मैम एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आपको यहाँ का सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट्स कैसे लगे, और आपने अगर कुछ खाया है तो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? They are all amazing stuff and fresh and really delicious. So guys, customer review भी positive है and that's the main thing यार। सबसे पहली चीज़ एक वही होती है कि customer को satisfied होना बहुत ज़रूरी होता है, and we have a very satisfied customer here. So thank you so much ma'am. भाई देखो ऐसा है, shakes तो बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, और हम regular visitor भी हैं यहाँ के, और I think हमें 2 महीने हो गए आते हुए, 2 months I think. So it's very nice ambience, atmosphere, hygienic वैसे बहुत है, और सबसे बेटर जो मेन टेस्ट है इसका है ना, टेस्ट इज़ वेरी नाइस। ये तो आई थिंक 7 or 8 टाइम आए हैं यहाँ पे, सो ऑल ओवर दिल्ली हज़ार बख्श की है, लेकिन हमारा यहाँ जो मतलब एंटरटेनमेंट होता है, जो खुशी मिलती है यहाँ की, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। थैंक यू। सो भैया आपका नाम? माय नेम इज़ तालिक। सो भैया आप क्या सेक्शन संभालते हो यहाँ पे? हॉट कॉफी बनाता हूँ। जितनी भी मतलब हॉट कॉफी वगैरह वो आप बनाते हो यहाँ पे? Yes,
ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट है भैया यहाँ पे। सो भैया आपका आपका नाम? मैं अमित चौधरी मेरा नाम है और मैं किचन संभालता हूँ। किचन में कौन सा सेक्शन? किचन में जैसे प्रिपरेशन हो गया, हाइजीन वगैरह, जो मैं मतलब ऑल किचन का डिपार्टमेंट मैं ही संभालता हूँ, जो भी फूड्स वगैरह क्वालिटी और ओके तो मेन जैसे सैंडविचेस बनाने या बर्गर बनाने वो सब आप करते हो। एंड इसके साथ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक और भैया हैं। सो भैया आपका नाम? सो आप क्या सेक्शन संभालते हो अंदर किचन में? सो मतलब जितने भी सब्जियां फ्राई होती हैं या फ्राइज फ्राई होते हैं वो सारा कुछ आइटम आप संभालते हो। सो गाइज स्टाफ से आप लोग मिल लिए, अब बात आती है मेन बंदे की जो कि है भाई। अब ये क्या करता है, जो भी आप ऑर्डर देंगे मेन, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे मेन जो बंदा होता है दैट इज द पर्सन जो कि आपका ऑर्डर लेता है और जो ऑर्डर पंच करता है। सो ही इज द गाय, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपको यही मिलेंगे हमेशा ऑर्डर लेते हुए यहाँ पे। और जब भी आप आए आप उनको जरूर बताएं कि यार आपने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो कुछ डिस्काउंट दोगे? नहीं, स्टार सरदारजी बख्श के यार फिक्स रेट है, सो डिस्काउंट वगैरह का कोई सीन नहीं बनेगा यहाँ पे। बट इस चीज की गारंटी है कि आपको यहाँ पे जो क्वालिटी है वो A1 मिलेगी, जो हाइजीन के साथ काम होता है, जो कॉफीज वगैरह बनती हैं वो सब बहुत तरीके से मिलेंगी और किसी भी चीज में आपको कुछ गलत होते हुए नहीं दिखेगा। सो गाइज यही वीडियो एंड करते हैं इस बार फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।